अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोरोना वायरस वैक्सीन का इंसानों पर इब्तदाई तजर्बा कामयाब। अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई। अमेरिका से कोरोना वायरस की वैक्सीन से मुतल्लिक बड़ी खुशखबरी आ गई है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी रियासत की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना ने कोरोना वायरस की एक वैक्सीन तैयार की है, जिसके अब इंसानों पर इब्तदाई तजर्बे किए जा रहे हैं, जिनमें ये वैक्सीन इंसानों पर महफूज और मौसर साबित हुई है। कंपनी का कहना है कि ताहल ये महदूद पैमाने पर इंसानों पर तजर्बात किए गए, जिनका मकसद ये मालूम करना था कि वैक्सीन इंसानों के लिए महफूज है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मुख्तलिफ ममालिक के साइंसदान 8 वैक्सीन तैयार कर चुके हैं, जिनमें से ये पहली वैक्सीन है जिसका इंसानों पर तजर्बा किया गया और वो महफूज साबित हुआ। मॉडर्ना के साइंसदानों ने बताया कि उन्होंने 8 लोगों पर इस वैक्सीन का तजर्बा किया। इन्हें कम और दरमियाने दर्जे की खुराक दी गई, जिससे इनके खून में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाली एंटीबॉडीज़ की इतनी मकदार पैदा हो गई जितनी कोरोना वायरस के सेहतमंद होने वाले मरीजों के जिस्म में पाई जाती हैं। तमाम वैक्सीन के हतमी नतज तभी सामने आएंगे जब इसके इंसानों पर बड़े पैमाने पर तजर्बात किए जाएंगे, जो हम जल्दी शुरू करेंगे। नाजरीन, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।